ये क्रॉसमैन का SNR 357 रिवॉल्वर है और सबसे छोटे साइज में रिवॉल्वर है। ये ग्रे फिनिश में है, डार्क ग्रे फिनिश में, पर हम इसको पीछे कर देंगे तो ये लॉक हो जाएगा। इसके शेल्स ऐसे लगता है कि जिसमें असली गोलियां पड़ी हों। ये दूसरी बुलेट्स है। अभी गाइस मैं आ चुका हूँ अमन एयर गन इंडिया पे और मैं यहाँ पे आपको दिखाने वाला हूँ एक एयर रिवॉल्वर जो पहले से डलते हैं डीवी डलते हैं। तो मैं आपको इस शॉप में वो रिवॉल्वर दिखाने वाला हूँ। यहाँ पे रिवॉल्वर वो एक ही नहीं, यहाँ पे काफी सारे रिवॉल्वर की अलग अलग वैरायटी और बहुत ही अच्छे है। 6 इंचेस 4 इंचेस सब आपको मिल जाएंगे और यहाँ पे आप कॉन्टेक्ट भी कर सकते हो और हमारे साथ शॉप के ओनर ये शॉप के अंदर कैसे हो भैया? बहुत बढ़िया, आप सुनाए कैसे हैं? आज हम आपके लिए क्रॉसमैन का रिवॉल्वर लेके आए हैं। जी हाँ, ये क्रॉसमैन का SNR 357 रिवॉल्वर है। ये बहुत टाइम से मार्केट में दिख नहीं रहा था, आ नहीं रहा था, मिल नहीं रहा था। आज हम आपके लिए स्पेशली एक नहीं दो नहीं बहुत सारे अनलिमिटेड स्टॉक लेके आए हैं SNR 357 रिवॉल्वर। आप इसकी फिनिश देखिए, ये मैट ग्रे फिनिश में है, डार्क ग्रे फिनिश में जो ब्लैक टोन के बिल्कुल पास में आता है और ये बहुत ही बेहतरीन और सबसे छोटे साइज में रिवॉल्वर है। जी हाँ, सबसे इंपॉर्टेंट है कि ये सबसे छोटे साइज में रिवॉल्वर है। बहुत सारे लोग चाहते हैं कि पॉकेट रिवॉल्वर हो जो इजीली कैरी कर सके, तो ये उनके लिए है। ये पॉकेट रिवॉल्वर है जिसमें कि सबसे ज्यादा पावर है और हम आपको इसकी अनबॉक्सिंग करके दिखाते हैं। भैया जैसे किसी को 10 पीस चाहिए 20 पीस चाहिए सब मिल जाएंगे आपको? 10 चाहिए, 20 चाहिए, 50 चाहिए, जितने पीस चाहिए आपको इमीडिएटली रेडी अवेलेबल मिल जाएंगे। ये इसकी पैकिंग ऐसे आती है, इसकी पैकिंग बॉक्स में नहीं आती, आप इसकी पैकिंग पे मत जाइए, लेकिन इसकी पावर पे जाना। अभी हम आपको इसके बारे में बताएंगे। ये हमने ऊपर से ओपन कर दिया आपके लिए ताकि आप वीडियो में फटाफट देख सकें। ये इसकी फोटो है, आप इसको देखिए, ये SNR 357, ये इसमें पूरी ब्रांडिंग हुई हुई है। ये ग्रे फिनिश में है, डार्क ग्रे फिनिश में, ये ब्लैक कलर का इसका बट है, ये इसमें लोगो लगा हुआ है, टारगेट का लोगो है, टारगेट का लोगो लगा हुआ है। ये बहुत ही बेहतरीन फिनिश में है। इसको इसका लॉक सिस्टम ये पीछे है, अगर हम इसको पीछे कर देंगे तो ये लॉक हो जाएगा, अगर हम इसको आगे कर देंगे तो ये लॉक ओपन हो जाएगा। उसके बाद इसको हम आगे प्रेस करेंगे और इसको बाहर निकाल लेंगे। इसके शेल्स ऐसे लगता है कि जिसमें असली गोलियां पड़ी हों। अगर हम बताएं ना आपको तो आपको पता ही नहीं चलता कि ये एयर पिस्टल है या असली रिवॉल्वर है। क्या बढ़िया फिनिश की गोलियां हैं, जिसके आगे रबर लगा होता है, ये स्टील बीबीज के लिए है। ये गोलियां स्टील बीबीज चलाती हैं, इसके आगे स्टील बीबीज हमने प्रेस करनी है, एक के आगे एक प्रेस होती है, 6 शॉट रिवॉल्वर आते हैं। उसके अलावा इसमें हमारे पास और बहुत सारे बुलेट्स हैं। ये देखिए आप, ये दूसरी बुलेट्स हैं, ये और ही ज्यादा प्रीमियम मॉडल की बुलेट्स हैं और इसमें हम पैलेट्स और बीबीज दोनों चला सकते हैं। जी हाँ, जैसे मैं आपको ये लोड करके दिखा देता हूँ। भैया ये वाली सिर्फ बीबीज के लिए थी? ये जो पहले वाली है ये सिर्फ बीबीज के लिए है, ये वाली जो है ये स्टील बीबीज और पैलेट्स दोनों के लिए है। तो जो हम आपको कॉम्बो पैक देंगे उसके अंदर आपको पैलेट्स की भी 6 बुलेट्स मिलेंगी और बीबीज की भी 6 बुलेट्स मिलेंगी, तो टोटल 12 बुलेट्स मिलेंगी। नॉर्मली सब रिवॉल्वर में 6 बुलेट्स मिलती हैं, इसमें आपको डबल बुलेट्स मिलेंगी और उसी सस्ते प्राइस में डबल बुलेट्स का कॉम्बो बना के देंगे आपको। तो जिसमें आप पहले चलाएं बीबी चलाएं या सब में बीबी चलाएं, जैसे आप चलाना चाहे चला सकते हैं। इसको बस एक बार वैसे बंद करना है, उसके बाद आप नॉर्मल फायर कर सकते हैं। अभी इसके अंदर सिलेंडर नहीं है इसलिए ये आवाज नहीं कर रहा, हम आपको सिलेंडर वाली भी चला के दिखाते हैं आवाज आती है और कैसे ये ऊपर से धुआं फेंकती है। इसमें एलएनजी की जरूरत नहीं है, हम आपको दिखाते हैं इसके वो आप पीछे करेंगे ऐसे हो जाएगा। इसके अंदर ऑलरेडी ये सिस्टम दिया हुआ है कि आप इसको लूज कर सकते हैं, आप इसको टाइट कर सकते हैं। तो आप लूज करके इसके अंदर CO2 सिलेंडर डालना है, या आपने लूज कर दिया, ये CO2 सिलेंडर इसमें बैठ गया, उसके बाद अब आपने इसको टाइट करना है। तो हम आपको CO2 सिलेंडर वाला एक बार चला के दिखाते हैं। ये देखिए हमने इसमें CO2 सिलेंडर लोड कर दिया है और अब इसको आप देखिए कितनी ही प्यारी इसमें से हवा निकलती है जो प्रॉपर फील देती है और उसके साथ साथ कितना स्मूथ है और दिख भी रही है हवा, दिख भी रही है और कितना स्मूथ है। आप देखिए कितना स्मूथली जाना पड़ता है। कई बार रिवॉल्वर में ऐसा होता है, जो रियल रिवॉल्वर में भी कभी ऐसा होता है कि बहुत ज्यादा टाइट होते हैं, आप जब चलाना चाहें तो बहुत प्रेशर लगता है, बट इसमें तो आप जैसे चलाना चाहे वैसे चला सकते हैं, बहुत स्मूथ है। तो ये हम आपके लिए स्पेशल डील लेके आए हैं। ये हमारे को इसकी बहुत अच्छी डिमांड आ रही थी, ये बहुत सारे पीसेज ऑलरेडी सेल आउट भी हो चुके हैं। तो हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं अगर आपको ये पीस चाहिए तो आप इमीडिएटली ऑर्डर प्लेस करिए, हमारी वेबसाइट पे भी जा सकते हैं। हमारी वेबसाइट है amanairgunindia.com। हमारा स्टोर वेस्ट दिल्ली में है, आप वेस्ट दिल्ली में
डिस्क्रिप्शन में हमारा पूरा एड्रेस दिया होगा और हमारा यूट्यूब पे पेज भी है अमन एयरगन इंडिया के नाम से। आप वहां पे भी जाके जो जो उनसे नए मॉडल्स आते हैं, जो जो उनसे नए अपडेट्स आते हैं वो भी आप देख सकते हैं। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, हमारी वीडियोस देखते रहिए और हमारे वीडियोस को लाइक करते रहिए। भैया इसकी FPS पावर कितनी है? इसकी FPS सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट, इसकी FPS 495 FPS है। ये मोस्ट पावरफुल रिवॉल्वर है, इसमें टैग नेम भी हम यही लिखेंगे, मोस्ट पावरफुल एयर रिवॉल्वर 495 FPS। नॉर्मली जितने रिवॉल्वर्स आते हैं जैसे डैग वेसन आता है या स्मिथ एंड वेसन आता है उसमें 370 to 380, 375 FPS आप मान के चलिए होती है। इसकी जो FPS मिलती है आपको 495 FPS होती है। तो ये बहुत ही पावरफुल, बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही बढ़िया रिवॉल्वर है। आप देखिए हमने आपके लिए कई सारे रिवॉल्वर्स सजाए हैं यहाँ पे, आप जो सा रिवॉल्वर लेना चाहें आप वो रिवॉल्वर्स ले सकते हैं। ये सेम सारे एक ही मॉडल हैं। और भैया ये लिखा है 150, ये मीटर पर सेकंड में है, ये फीट पर सेकंड में है, ये मीटर पर सेकंड में है। हाँ, 150 मीटर पर सेकंड की स्पीड है इसकी। तो इसमें बीबीज भी चलती है, इसमें पैलेट्स भी चलते हैं और ये ड्यूल एमओ रिवॉल्वर के नाम से आता है और ये क्रॉसमैन कंपनी है। क्रॉसमैन कंपनी को हम सब जानते ही हैं, बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही बढ़िया कंपनी है। सो गाइस ये वीडियो यहीं तक ही। तो मैंने आपको क्रॉसमैन के 357 रिवॉल्वर दिखाया। इनके पास ना यही रिवॉल्वर नहीं, इनके पास सारी रिवॉल्वर जितनी भी आती है ना मोस्टली सारी अवेलेबल है और जितने भी आपको स्टॉक में चाहिए सब इनके पास अवेलेबल है। और इनका भी यूट्यूब चैनल है अमन एयरगन इंडिया नाम से, तो वहां पर भी जाओ सब्सक्राइब करो, लिंक आपको मिल जाएगा। और इनका इंस्टाग्राम है, इनको फॉलो करो इंस्टाग्राम पे, इनको मैसेज करो, मैसेज भर दो ठीक है ऑर्डर से कि भाई हमें ये चाहिए, इनको परेशान कर दो कॉल कर करके मैसेज कर करके ठीक है। और बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में। चैनल पे अगर नहीं हो तो सब्सक्राइब जरूर कर देना, वीडियो को लाइक कर देना। बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक लेटिल देन बाय एंड टेक केयर।